Hello everyone, this is Razia Boston from Boston Desi Connection, BDC TV, and you are watching Roo-ba-Roo. Roo-ba-Roo ke is naye episode mein, humare saath hain, aap believe nahi karenge. I'm so happy, so excited, so thrilled to introduce you. नहीं, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो उनको सब जानते हैं. बॉलीवुड, जिस जो लोग बॉलीवुड को जानते हैं वो डॉक्टर जयंतीलाल गाड़ा साहब को ज़रूर जानते होंगे और उनकी फिल्मों को बहुत एंजॉय किया होगा. मैंने बहुत एंजॉय किया है कहानी और आपकी जो फिल्म थी एंटरटेनमेंट. तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी. वी वुड लव टू हेयर गाड़ा साहब विच इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी. गाड़ा साहब, वेलकम एट BDC. सो वेस्टर्न वेलकम इन बॉस्टन. आप सर्दियों में यहाँ आए हैं, सब तरफ बर्फ है, कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि डेट ही ऐसी थी कि हम चेंज नहीं कर सकते. और मुझे खुशी है कि प्रिया जी ने मेरे को रेफर किया और हार्वर्ड बुलाया. और सर्दियों में भी मज़ा आ रहा है. पहले सोचा था कि इतनी सर्दी होगी लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा है. तो आप सर्दी इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बर्फ आप एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया. मतलब जब मैंने सोचा था तो मेरे को किसी ने बताया था -20 है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी. लेकिन कल देखा कि -2 भी नहीं है. नहीं, हम तो अब आदि हो गए, मगर आप भी आदि हो गए, विच इज गुड. तो गर सब मैं मतलब आपकी लाइफ के बारे में देख रही थी और बहुत इंस्पायर्ड हुई थी कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था. बिल्कुल कैसे, यानी आपके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है आपकी मेहनत के सिवा. तो कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की और कहाँ से शुरू की, आप बिल्कुल शुरू से बताइए हमारे ऑडियंस को. एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई थी किराना स्टोर से, क्योंकि ऑलवेज हमारे यहाँ, मतलब आज भी इंडिया में फादर का जो धंधा है उसी पे बच्चा बैठता है. तो मेरी शुरुआत भी वैसे ही हुई थी. और उस जमाने में वीडियो लाइब्रेरी का दौर था, तो उसी कैसेट, VHS कैसेट, तो उसी किराना स्टोर में मैंने वीडियो लाइब्रेरी स्टार्ट करी. वहाँ से स्लो स्टडी बढ़ते गए. और उस जमाने में 80s में, अगर आपको याद हो, VHS के किंग थे धीरूभाई शाह, जो हमारे गुरु हैं, उनसे थोड़ा सीखा. और आते आते फिर टेलीविज़न का ज़माना आ गया. फिर सुभाष चंद्र गोयल जी के मालिक, उन्होंने मुझे अच्छा मौका दिया कि ठीक है, हमारे लिए मूवीज़ बाय करें. तो मैंने 2004 से 2016 तक उनकी जितनी फिल्में जी सिनेमा की वो बाय करी. और ऐसे करते करते बढ़ते गए. और हमारी कंपनी के लिए हर साल में एक या दो फिल्मों का रिलीज़ करने का मॉडल बनाते गए हम. और हमने ऐसा कोई जोनर पकड़ा नहीं है कि इसी जोनर में फिल्में बनानी चाहिए या इसी को लेना चाहिए. अभी इंडिया बहुत ग्रो हो रहा था, उसका फ़ायदा ले बोलें या हमारी समझ बोलें कि हमने जब जब चेंज हुआ मार्केट, तो हमने अपने आप को बदल दिया. जैसे अभी आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हमारे सब गुरु जितने थे वो आज काम नहीं कर रहे, मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए डबल खुशी हो रही है. और मैंने अभी मेरे दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा धवल है, छोटा बेटा अक्षय है. और उनको सिखाने के लिए, क्योंकि आगे की जो जर्नी है, बॉलीवुड बोलो या टेलीविज़न सीरियल बोलो या डिजिटल बोलो, हो सकता है कि हमारे समझ से भी कुछ परे है. तो हमने बोला कि बच्चों को साथ देते हैं. और उन्होंने भी अच्छी शुरुआत करी. बड़े बेटे ने भी अच्छी प्रोडक्शन सीख लिया. छोटा बेटा, बच्चे उसी में लगे हैं दोनों. एक, I'm sorry, मैं आपको नहीं बताइए, आपने बहुत जल्दी से बता दिया कि मैंने फिल्में खरीदनी शुरू की. एक किराने की दुकान पर कैसेट्स आप रेंट करते थे और सेल करते थे, वहां से ना एकदम से आपने फिल्में की, बीच की जो आपकी कहानी है वो हमारे ऑडियंस को बताइए, ताकि वो, क्योंकि सिर्फ बगैर पैसे के तो आप आगे नहीं बढ़े. तो पैसा जो आया वो आपके पास, वो ये जो वीडियो सेल और इससे आया. एक्चुअली मैं बताऊंगा कि पैसा किसी के पास होता ही नहीं है. ये बोलना बेकार है कि ये बहुत बड़े पैसे वाला है, ये बहुत बड़े पैसे वाला है. हर आदमी को पैसा जनरेट करना पड़ता है, उसको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसी पे से कुछ कमाई आती है या लॉस भी आता है, क्योंकि धंधे का नाम ही प्रॉफिट एंड लॉस है.
तो वो आपको हर साल पहलू आपका ठीक पड़े, उसको बोलते हैं अपनी लाइफ की जर्नी। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आपने जो चुना वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो हमने दोनों बाजू का पहलू ठीक करके कि अगर अपनी कमाई के जितना ही काम करो उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उतनी ही बोरोइंग कर सकते हैं जितना आप उसको रीपे कर सकते हैं। तो इसका खुशकिस्मत रही हमारी कि ये सब पहलू ठीक पड़े टाइमली। और जब जब हमारे यहाँ फिल्में बनाने का दौर है या फिल्में रिलीज़ करने का दौर आया, उसमें भी अच्छी फिल्में बुरी फिल्में हमारे पास लगी जिससे हम मैनेज कर पाए। क्योंकि बुरी फिल्म या अच्छी फिल्म फ्राइडे से पहले पता नहीं होती है। फ्राइडे से पहले आपको एक अंदाज लगाना पड़ता है कि अच्छा ठीक है ये अच्छी निकलेगी। इसीलिए अगर हमारा सपना तोड़ देंगे तो हम उसको बेच कैसे सकते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला मेरी कंपनी को कि मेरी टीम वर्क अच्छी रही। हमारे टीम में जितने लोग हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको टीम अच्छी मिल जाती है तो यू विल सर्वाइव। यस, हमारी टीम अच्छी है बहुत। और अभी जैसे इंडिया ग्रो हो रहा है तो अगर पीछे देखते हैं तो अगर हमने कहानी फिल्म की बात करें 2012 में, इतना जल्दी इंडिया चेंज हो रहा है कि उस वक्त फिल्म बनी थी 6 करोड़ की और उस वक्त रिलीज की कॉस्ट थी 6 करोड़। आज ऐसा दौर है, 2019 की बात करें, अभी हमने एक पिक्चर रिलीज करी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो उसकी रिलीज कॉस्ट इज 16 करोड़। तो इतना बड़ा, मतलब फिल्म बनाना एक अलग जर्नी है, फिल्म रिलीज करना एक अलग जर्नी है। और अभी फिल्म पूरी दुनिया में चलती है, बॉलीवुड की फिल्में, और पूरी दुनिया में अलग अलग चैलेंजेस है। क्योंकि अभी सैटेलाइट और डिजिटल, न्यूज़पेपर और होर्डिंग, अगर देखने जाए तो ना होर्डिंग ख़त्म हुए है, ना न्यूज़पेपर ख़त्म हुआ है, ना ब्रॉडकास्टिंग ख़त्म हुआ है। तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं एड्रेस करना है अपनी फिल्म के बारे में, तो आपकी कॉस्ट बढ़ते जा रही है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। डिजिटल बोलना बहुत आसान है, फिर भी आज की तारीख में अगर आप अभी रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने कि ब्रॉडकास्टिंग अगले साल इंडिया का 15% बढ़ रहा है। अच्छा, दूरदर्शन वाला जो है पूरा, नहीं सैटेलाइट चैनल का, पूरा सैटेलाइट चैनल। हाँ, अच्छा। तो 15% बढ़ रहा है, जबकि अगर हम ऐसे सामाजिक बात करते हैं या यंगस्टर के साथ बैठते हैं तो मुझे लगता है कि अभी ये सब फॉर्मेट को अलग अलग होना, जैसे अगर पुराने जमाने में बात करें तो न्यूज़पेपर की दुनिया में दो बड़े ग्रुप है इंडिया में, एक है टाइम्स ऑफ इंडिया, एक है गुजरात समाचार। और खुशी की बात है कि सबसे ओल्ड मुंबई समाचार, सबसे ओल्ड पेपर आज भी मुंबई समाचार है। अच्छा, 180 ईयर्स। तो उनको भी तकलीफ आती होगी, ऐसा तो है नहीं। तो इंडिया में इतने सारे न्यूज़पेपर, मुझे लगता है कि 400-500 न्यूज़पेपर की ब्रांड होंगे, उनके रीजनल इतने होते हैं। तो चैनल आज की तारीख में इंडिया में 900 है, ब्रॉडकास्टिंग चैनल 900 है। अच्छा, जैसे हम आप बात कर रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं और सब चल रही हैं, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, सब जगह सब चल रहा है, लेकिन कुछ चैनल बहुत सारी चीज़ें बंद भी हो रही हैं, बहुत सारे अखबार भी बंद हो चुके हैं, बहुत सारे टीवी चैनल भी बंद हुए हैं, और कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं मे भी कि बंद हो जाए या नहीं हो, कल पता चलेगा क्या हुआ। लेकिन इस सारी सिचुएशन जो हालात हैं उसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ने इफेक्ट किया है? ये नहीं बोल सकते सोशल मीडिया ने इफेक्ट किया है, इसका उल्टा पहलू देखना चाहिए कि जो बंद हुआ उसका इंटरेस्ट लेवल इतना ज़्यादा नहीं था इस धंधे में, उसके पास और बहुत सारे धंधे होंगे जिसको लगेगा कि अच्छा ये मेरे लिए काम का नहीं है। अदरवाइज या फिल्म प्रोडक्शन बोलो या मीडिया हाउस बोलो, दोनों को अलग डेफिनेशन दे सकते हैं। जब से मैंने काम शुरू किया है 30 साल हो गए मेरे को, कोई प्रोडक्शन हाउस बंद नहीं हुआ जिसका इंटरेस्ट लेवल था कि मुझे फिल्में ही बनानी है। उनके पास भी इतनी राज कपूर साहब का भी एक शायद बंद हुआ है, नहीं उसको बंद नहीं बोल सकते, उनकी कंटिन्यूटी हुई, जैसे उनका इंटरेस्ट लेवल एक्टिंग में था। हाँ।
आज भी उनके बच्चे एक्टिंग करते हैं और सबसे बड़े स्टार है हमारे, तो आज भी वो मीडिया में है। और आपने अच्छी बात निकाली राज कपूर साहब की, तो अगर एक जिंदगी में राज कपूर साहब ने कितनी डायरेक्शन की होगी अगर उसकी गिनती करें तो कुल मिला के 10 या 12, पर उन्होंने 3 पीढ़ी के लिए अपना नाम देखे गए। तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ी फैमिली है आज यही। अगर दूसरी फैमिली से एक लड़का आता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको 30 फिल्मों में काम करना पड़ता है तब वो पहचाना जाता है। और हमारे बड़े साहब के बेटे जितने होते हैं वो पहली फिल्म से पहचाने जाते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वो तो मतलब गुड लक बेबीज है सारे तो। लेकिन यस, अच्छा दूसरा मैं आपसे ये और पूछना चाह रही थी कि जिस तरह आपने अपने बच्चों को उसमें डाला है, और वो जाहिर है वो इस ज़माने के हैं, वो ज़्यादा सोशल मीडिया या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको देख रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे? मुझे हर बारी ऐसे ही होता है कि बेटा बाप से आगे जाता है, तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि हमारे दोनों बच्चे हमारे से आगे काम करें, कि हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि हम क्रिएटिव दुनिया में नहीं हैं, हम बिजनेस की दुनिया में हैं, तो हमको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। और क्रिएटिव दुनिया के लोग जो होते हैं वो उनकी ओपिनियन बहुत डिफरेंस होती है, उनको हैंडलिंग करना बच्चों की तरह होता है, तो उनका साथ लें और अच्छी तरह बिजनेस करें, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्में फ्लॉप होने का रेशियो 95% है, सक्सेस रेशियो 5% है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस 5% आपके पास आना है, तो फ्लॉप भी आपको बर्दाश्त करनी है और आपको कंपनी को झेलना है और आपके इन्वेस्टरों को झेलना है। कुल मिला के बहुत टेंशन है वहाँ पर। टेंशन तो हर धंधे में होता है, और हमारा धंधा उस टेंशन में भी सबसे अच्छा है, क्योंकि हर फिल्म एक नई फैक्ट्री होती है, उसके लिए एक पूरी कहानी बदली। जैसे अभी मेरे दोस्त लोग बहुत सारे हैं दूसरी लाइन में, उनके पास 2-3 साल के बाद जब उनकी फैक्ट्री शुरू हो जाती है या बिल्डिंग बन जाती है, उनके पास कुछ नई कहानी नहीं बात करने के लिए, क्योंकि उनका सब एक्सपीरियंस हो चुका है सीमेंट रेती या व्हाटएवर। लेकिन हमारी दुनिया में हर फिल्म में आप इतनी ज़्यादा बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बात होती है, तो ये सबसे लाइफ में जीने का बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा जैसे अमेरिका इंडिया में जितना फिल्मों का क्रेज है, मतलब फिल्में हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, खाना पीना है फिर टीवी पे एक फिल्म देखनी है, ये रोज़ की रूटीन है आम आदमी की। ये फिल्में बाहर भी गई हैं, वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हुई हैं, लोगों ने पसंद की हैं और सारी दुनिया में देखी जाती हैं। बल्कि मैं बहुत सरप्राइज हुई थी अभी यूके में मेरे एक दोस्त हैं, वो गए रशिया में, उन्होंने किसी फ्ली मार्केट में देखा बॉलीवुड की तमाम पुरानी फिल्में पाकीज़ा और इसके पोस्टर बिक रहे हैं और रशियन में लिखे हुए हैं, पोस्टर हमारी फिल्मों के हैं, पाकीज़ा का था, बहुत सारी पुरानी जितनी भी हमारी ये है मदर इंडिया और सब, एंड रशियन में लिखा हुआ है उस पर उनके नाम उनकी कास्ट। तो वो पिक्चर्स उन्होंने मेरे साथ शेयर किए ना, वो सरप्राइज के बॉलीवुड आज भी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमें जो ये बाहर की ज़िंदगी में या जो लोग इंडियंस बाहर रह रहे हैं उनकी लाइफ पर कुछ फिल्में बनानी चाहिए? ये बनती भी है, कम बनती होगी। और जो आपने बताई पोस्टर की बात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाला बहुत है, मतलब फिल्मों की कहानियाँ बहुत हैं। ये बॉलीवुड वाले बहुत फास्ट है और बहुत सारी फिल्मों को कैप्चर करते हैं, और इनकी लाइफ भी अगर ऐसी कोई आएगी, अगर इंडिया में आउटसाइडर ने कुछ करके दिखाया तो बनेगी फिल्में। और अभी बायोपिक का ज़माना आया, बहुत सारी बायोपिक बनी है, उनकी भी कोई अच्छी कहानी मिलेगी कि हाँ ये पूरा वर्ल्ड देखना चाहता है, तो बनेगी। और इंडिया के कलाकार वैसे भी बहुत चलते हैं। अभी आपने पोस्टर की बात बताई, तो अभी पूरी वर्ल्ड को बॉलीवुड का जो ग्रोथ है वो अभी होगा, क्योंकि अभी जैसे अगर आप पुराने जो मैं काम देखा हूँ
कि पहले VHS थी, उसके बाद अकेली चैनल दूरदर्शन थी, उसके बाद 900 चैनल बनी, अभी डिजिटल शुरू हुआ, तो डिजिटल में भी अभी बहुत सारी कंपनियां नहीं हैं, कुल मिला के 8-10 कंपनियां हैं, और 900 तक पहुंचने की जर्नी उनकी भी होगी, वो भी अकेले किंग नहीं हो सकते ऐसे, मतलब जैसे अगर 92 में जी आया और समझ लो 20 साल लगे होंगे 900 चैनल बनने में, तो डिजिटल की शुरुआत हुई है अभी और इनको भी 900 कंपनियां बनेगी इसमें, और हमारा कंटेंट जो है वो पूरी दुनिया में अलग अलग डब होके पूरी दुनिया देखने वाली है, क्योंकि अभी जो अगर हम बॉलीवुड से बात करें तो डब होने के बाद दो बड़ी मार्केट डेवलप हुई है, एक हुई है अरबिक और एक हुई है रशियन, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज अभी भी बाकी है, तो क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है वो आज भी पूरी दुनिया देखना चाहता है, और अभी हमारी मेरे को खुशी होती है कहते हुए कि हमारी फिल्म कहानी पहली बार किसी बाहर वालों ने लैंग्वेज खरीदी है, इंग्लिश में यशराज बना रहा है और एक चाइनीस में किसी ने कंपनी ने राइट्स लिए हैं, एक कोरियन कंपनी ने राइट्स लिए हैं, तो वो अपनी रीमेक कर रहे हैं, अदरवाइज हम पूरी दुनिया की पिक्चरें बनाते हैं, तो हमारी पिक्चरें बाहर बिकना शुरू हुई है। अच्छा, हमें चाइनीज का देख रही हूँ, चाइनीज बहुत इंटरेस्टेड है इंडियन फिल्मों में, अभी आपकी कहानी की आप बता रहे हैं। मार्केट खुला है हाँ, अभी इंडियन फिल्मों के लिए, और वहाँ भी कुदरत से हमारा अमेरिकन वहाँ भी बड़ा हुआ है और उन्होंने भी बड़ी बॉक्स ऑफिस लाई है वहाँ, और वहाँ भी रिलीज मॉडल बहुत बड़ा है, इंडिया से बड़ा है। अच्छा। हाँ, इंडिया से बड़ा उनका रिलीज मॉडल है, और वहाँ से हमारे को रेवेन्यू अभी, जैसे मैंने बताया कि जो पहले मॉडल था कि 10% में पूरा ओवरसीज ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी सिर्फ 10% चाइना लेके आता है। So, आपकी जो ये इतनी सक्सेसफुल जर्नी है, आप इसमें किसको अपना गॉडफादर मानते हैं, या वो जिसने आपको हेल्प की हो और जिसको आप थैंक यू बोलना चाहते हो? मैं दो जनों को पहले तो बोलूँगा, सबसे पहले तो ऑडियंस ही है हमारे, क्योंकि हमारे को बचपन से सिखाया गया गिराक भगवान है, और उस जर्नी में, मेरी जर्नी में हमारे वीडियो के टाइम के किंग थे धीरूभाई शाह, और टेलीविज़न के टाइम के किंग हमारे सुभाष चंद्र गोयल, और इन दोनों को उन्होंने हमारा साथ दिया और मैंने उनका साथ दिया, ये दोनों, मैं खुशकिस्मत हूँ कि दोनों मीडिया किंग जो हमारे इंडिया के हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला, और यही जर्नी अभी मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ कि आप भी आगे सबको साथ लेके चले तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, कोई डाउट नहीं है, अच्छे संस्कार हमेशा बहुत देर तक जाते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। इतनी सारी आपकी जर्नी हमने अभी सुनी है, आप पैन, आपका जो एक ब्रांड नेम बना है, आप उस जर्नी के बारे में हमें बताएं कि ये किस तरह से वजूद में आया? ये एक्चुअली हमारी ओरिजिनल कैसेट लाइब्रेरी थी, इसके नाम था पॉपुलर वीडियो कैसेट कंपनी, तो जैसे इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप होती है, तो जब जी आया तो जी को भी फिल्में हम सप्लाई करते थे, तब उनके तीन अक्षर थे ZEE, तो सुभाष जी से अच्छे रिश्ते थे हमारे, तो हमने भी बोला कि हमारा भी नाम लगा दो, तो पहले पॉपुलर करके 7 अक्षर लगते थे एक बाजू में, जो हमारी फिल्में होगी, हम जो कंटेंट सप्लाई करते थे उस पर 7 अक्षर लगते थे पॉपुलर के, POPULER, तो बोले यार इसको 3 करो, तो हमने बोला यार हमको तो पॉपुलर से प्यार है क्योंकि हमने वीडियो लाइब्रेरी करी, तो इसको 3 कैसे करें, तो हमने एम्प्लॉय को बोला ये बात, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं सोचता हूँ इस पर, तो उसने दूसरे दिन एक आइडिया लेके आया कि हम इसको पॉपुलर एंटरटेनमेंट नेटवर्क बनाते हैं और तीनों का पहला अक्षर ले लेते हैं तो पेन बन जाएगा, तो बात भी रह जाएगी, आपकी भी बात भी रह जाएगी, और इसको बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, ऐसे करके पेन की शुरुआत हुई। पेन इंडिया, द कंपनी विच नीड्स नो इंट्रोडक्शन।
started from a video library. Company has expanded itself and is now producing and distributing films. Over the years, Pen has become one of the largest independent content and rights aggregators of Bollywood movies in India. The man behind this successful empire is none other than Dr. Jayantilal Gada. Jayanti bhai, aap nahi hote to ye film nahi banti. God bless you. 1986 can be marked as a remarkable year for Pen India as it started the trading of video rights and distribution of VHS tapes across India. Restructuring itself under the name Popular Entertainment Network, the company started dealing in copyrights of Hindi feature films for satellite and Doordarshan. Pen also started dealing with the audio CDs and grew many folds. The vision didn't end here. Expanding itself, the company then became the exclusive agency for acquisitions of Hindi feature films for Zee Cinema for a value of approximately more than rupees 3,000 crores between 2004 to 2016. Today, the valuation of the same is approximately rupees 30,000 crores. Excellence and leadership have been proven time and again with the numerous awards and recognition won by Dr. Jayantilal Gada. The legacy is now passed on to his elder son, Dhaval Gada, a young lad who believes in conquering his dreams. Dhaval Gada has made a notable position for himself in the television industry with TV serials like Udaan, Lado and Naam Karan. Akshay Gada now joins the league of expanding this empire and spreading his wings across the digital and broadcasting market. Prominent and experienced personalities like Satish Kaushik and Javed Akhtar join Pen East 30,000 crores. Excellence and leadership have been proven time and again with the numerous awards and recognition won by Dr. Jayantilal Gada. The legacy is now passed on to his elder son, Dhaval Gada, a young lad who believes in conquering his dreams. Dhaval Gada has made a notable position for himself in the television industry with TV serials like Udaan, Lado and Naam Karan. Akshay Gada now joins the league of expanding this empire and spreading his wings across the digital and broadcasting market. Prominent and experienced personalities like Satish Kaushik and Javed Akhtar join these 30,000 crores. Excellence and leadership have been proven time and again with the numerous awards and recognition won by Dr. Jayantilal Gada. The legacy is now passed on to his elder son, Dhaval Gada, a young lad who believes in conquering his dreams. Dhaval Gada has made a notable position for himself in the television industry with TV serials like Udaan, Lado and Naam Karan. Akshay Gada now joins the league of expanding this empire and spreading his wings across the digital and broadcasting market. Prominent and experienced personalities like Satish Kaushik and Javed Akhtar join Pen India as board of directors to take the company to new heights. 2018 was an exciting year as Dr. Jayantilal Gada was conferred with a doctorate degree by the Academy of Universal Global Peace. During the film, the accidental Prime Minister, Dr. Jayantilal Gada, was given an esteemed opportunity at the Bombay Stock Exchange to ring the iconic bell on the day of the film release, making it the first film to be given a great start with a bang at the Bombay Stock Exchange. Upcoming movies of 2019, Badla, 8th March. Mere Pyare Prime Minister, 15th March. What started as a humble beginning has now transformed into a contemporary office that is capable of delivering quality content for the audience and for the industry to witness.
इंडिया के लिए, और इसमें फिर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम बोले गए। हाँ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा और बड़ी बात हुई है इस पर, इसके बारे में बताइए। तो ये भी एक बड़ा चैलेंजेस था इंडिया के लिए, और पेन ने इसका चैलेंज भी उठाया और इसको भी फिल्म सक्सेसफुल रिलीज की। तो जितनी पब्लिक डोमेन में चीज आती है, उसकी संजय बारू ने किताब बनाई और उस पे से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुनील बोरा और विजय कुटे ने फिल्म बनाई और उसको पेन ने रिलीज किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये फिल्म रिलीज हुई और अच्छी चली। तो इंडिया और ग्रो हो रहा है, एवरीडे ग्रो हो रहा है। तो 30% तक लोग जाएंगे फिल्म देखने में थिएटर में। तो इसकी जो बॉक्स ऑफिस अभी जो 400-500 करोड़ है, ये पहुंचेगी कम से कम 1500 करोड़ रुपये आपको एक फिल्म से थिएटर से आने में दिखाई देंगे। So, मैं तो आपको और आप फिर पैन को और आपकी पूरी पैन की पूरी टीम को विशिंग यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।